नमस्कार जैन भारत तक देख रहे हैं आप इसराइल ने हमास पर फिर एक बड़ा अटैक किया है। हवाई हमले करके हमास को जो है उसने पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है इसराइल लगातार बात कह रहा था हमास से कि जो बैलून अटैक है वो करना बंद कर दे वरना उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा और यही कारण है कि इसराइल ने अब एक बहुत करारा जवाब दिया है और हमास के जो मुख्य ठिकाने हैं उस पर हवाई हमले करके उस पर एयर स्ट्राइक करके उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है हमास लगातार दरअसल बैलून के जरिए अटैक करता है बैलून में जो है वो कई बार बैलून अटैक में जो है वो ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल करता है नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है कई बार इस तरीके के बैलून अटैक से वो रिहाइश इलाकों में वो जंगल वाले इलाकों में आग जनी की लगाने करने का भी काम करता है जिससे इसराइल को परेशानी हो सके तो कुल मिलाकर जो हवास है वो लगातार जो है वो इस तरह के हमले कर रहा है और खासकर जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आया है तब से ही हमास जो है उसे लग रहा है कि वो भी कुछ ऐसा कर सकता है बीते दिनों हमने रिपोर्ट दिखाया था कि कैसे हमास के समर्थन वाले लोग इस बात से बहुत उत्साहित हैं कि वो अब हमा इसराइल के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही करेंगे लेकिन जराइल ने अपने ही अंदाज में बार बार चेतावनी देने के बाद जो जवाब दिया है उससे हमास हिल गया है हमास पर बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक किया है इसराइल ने जिससे हमास को भारी नुकसान होने की खबर है फिलिस्तीन की तरफ से लगातार आग लगाने वाले जो गुब्बारे हैं उसको लॉन्च किया जा रहा था इसके बाद आर्मी ने गुब्बारों के लिए हमास को जो है वो जिम्मेदार ठहराया था उसने कहा था कि हमास इस तरीके से लगातार हमले कर रहा है इसके बाद उसने आतंकवादी समूह के ठिकानों पर हमला कर दिया इसराइल डिफेंस फोर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि उसके फाइटर जेट्स ने खान यूनिस में हमास की रॉकेट बनाने वाली साइट और मिलिट्री कंपाउंड पर बम गिराया है बयान में बताया गया है कि इसराइली में आग लगाने वाले गुब्बारे लॉन्च करने के जवाब में इस तरह की कार्रवाई की गई है एक चश्मदीद के मुताबिक आर्मी ने उत्तरी गाजा में भी तोप के गोले दागे हैं हालांकि हमले में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है इसराइली फायर फाइटर्स ने बताया है कि आग लगाने वाले गुब्बारों ने गाजा पट्टी के करीब साइटों पर तीन झाड़ियों में आग लगा दी थी इसके पहले भी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से हमास जो है वो हमले कर रहा था इसराइल पर रॉकेट दाग रहा था जिसके बाद जो है इसराइल ने कार्रवाई की थी अभी हाल ही में मई के महीने में 11 दिनों तक वो भीषण युद्ध चला था जहां इसराइल पर तियालीस के करीब मिसाइल अटैक हुए थे जिसका जवाब इसराइल ने अपने आयरन डोम से दिया था और फिर कई हवाई कार्रवाई करते हुए अच्छा खासा गाजा पट्टी में नुकसान पहुंचाया था हमास के आतंकी ठिकानों पर जिसके एक बार बार फिर इस तरह के हवाई हमले के जरिए जवाब दिया जा रहा है जो नई सरकार गठित हुई है उसके भी तेवर लगातार हमास के खिलाफ सख्त बने हुए हैं और ये हमले भी बताते हैं कि आतंकी संगठन हमास चाहे कुछ भी कर ले वो कोई भी खाब देख ले वो खाब इसराइल का भी पूरा नहीं होने देगा आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए देखते रहिए भारत तक नमस्कार जय हिंद